हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज सी रेडी फोर पे। आज मैं बात करूंगी एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक क्या है उसके बारे में मोस्टली सबको पता है, क्योंकि मैंने देखा है, नोटिस किया है कि कोई भी नॉन मेडिकल पर्सन ही चाहे हो, अगर किसी को फीवर हो गया है तो कहते हैं, अच्छा एंटीबायोटिक ली क्या आपने, एंटीबायोटिक ले रही है, अगर गला खराब हो गया तो क्या आपने एंटीबायोटिक ली है। एंटीबायोटिक एक मतलब कि मोस्टली सबको पता है कि एंटीबायोटिक क्या है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस लिए एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। मोस्टली देखा गया है कि अगर उसको फीवर हो रहा है, उसको खांसी हो रही है, उसने एंटीबायोटिक ले ली है तो हाँ भाई तुझे खांसी जुकाम हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा, तो चलो एंटीबायोटिक ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि उसने ली थी और वो ठीक हो गया है, तो इसलिए एंटीबायोटिक लेनी है। लेकिन एंटीबायोटिक लेने के बहुत सारे नुकसान हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल और वायरसेस इन्फेक्शन के लिए ही बनी है, और एंटीबायोटिक जो है उसको डिजाइन ही बैक्टीरियल रेसिस्टेंस के रूप में किया गया है। यानी कि अगर किसी को बैक्टीरियल या वायरसेस इन्फेक्शन होता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, तो उसमें जो है वो एंटीबायोटिक लेनी जरूरी है। लेकिन अगर किसी को खांसी, फ्लू, जुकाम या फिर बुखार, यानी कि वेदर के अकॉर्डिंगली बुखार हो गया, उसमें एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एंटीबायोटिक जो है, मान लो उसने अभी सिप्रोफ्लॉक्सिन ले ली, सिप्रोफ्लॉक्सिन लेंगे, हाँ भाई ये तो जल्दी ठीक नहीं कर रही है तो अमोक्सिसिलिन ले लो, क्योंकि उसने अमोक्सिसिलिन ली थी तो वो ठीक हो गया तो इसलिए अमोक्सिसिलिन ले लो। लेकिन ये सब गलत है। जो फ्लू होते हैं उसमें कभी भी एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी है। उससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक अगर हम ले रहे हैं तो हमारा शरीर जो है वो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो जाता है। रेसिस्टेंस मतलब ये कि उसे शरीर को पता चल जाता है कि ये वाली दवाई खाने से, मतलब कि ये अगर दवाई ले रहे हैं तो उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मतलब कि वो वाली दवाई जो है, जो हमारे बैक्टीरिया है, मतलब कि जो भी है हमारे शरीर में कीटाणु है, उनको पता है कि अगर ये वाली चीज आ रही है तो उससे कैसे निपटना है। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ्लू हो जाता है, खांसी हो जाता है या कुछ और हो जाती है, तो आप प्लीज एंटीबायोटिक ना लें। उसके कारण बहुत सारे नुकसान है हमारे शरीर में, बहुत सारी और बीमारियों को हम दावत देते हैं। इसी तहत जो है हमारी सरकार ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने एक मुहिम रेडी की है, जो कि अभी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसका जो टाइटल है वो है हैंडल विद केयर। मतलब कि जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्यों लेनी है। ये नहीं कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी होगी तो एंटीबायोटिक ले लो। मेरे ये ही नहीं कि सिर्फ जो मेडिकल प्रोफेशनल, अनमेडिकल प्रोफेशनल है, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल से नहीं बिलोंग करते हैं, वही जो ले रहे हैं मेडिसिन, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपने जो मेरे साथ वाले क्लीग्स हैं उनको मैंने लेते देखा है। उनको अगर काफ़ी टाइम से खांसी हो रही है तो दूसरा बंदा उसे कह रहा है कि हाँ मैंने ना ये वाली दवाई ली थी, तू ये वाली दवाई ट्राई कर ले, क्योंकि ये वाली दवाई से तो तू ठीक नहीं हुआ। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो जो मेडिकल प्रोफेशनल है, दूसरे हैं वही ले रहे हैं, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल खुद भी ले लेते हैं, तो इसलिए उसका जो असर जो है वो बाद में जाके पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि इसी हफ्ते चल रहा है, 18 से लेकर 24 तक। उसमें जो है उनका मोटो है कि सबको बताया जाए कि एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे नहीं लेनी है। अगर हमें कोई मौसम के अकॉर्डिंगली कुछ हो जाता है तो हमें एंटीबायोटिक कभी नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि अगर आपको रेगुलर कोल्ड कफ ऐसे कुछ होता है तो आप प्लीज जो है अपने जो है वाइटामिन्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, उनको मेंटेन रखें, बैलेंस रखें अपनी डाइट को, तो आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो जो एंटीबायोटिक है अगर हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो हमारा शरीर जो है, कभी हमें मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो जाता है। रेसिस्टेंस मतलब कि वो उसका आदि हो जाता है तो वो असर नहीं करती हैं, और ये जो है हमारे दूसरे शरीर के जो दूसरे अंग हैं उनको भी डैमेज करती हैं, मतलब कि उनको भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एंटीबायोटिक जो है ऐसे मत लें, डॉक्टर की सलाह से लें। और जो
हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पढ़ के बताते हूँ कि उन्होंने एक संगठन, स्वास्थ्य संगठन और GAP और MMR जो है उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई है कि लोगों को ज़्यादा सा मतलब कि उन्होंने उद्देश्य बनाया है कि एंटीबायोटिक जो है रेसिस्टेंस लोग हैं, चाहे वो मानवीय है चाहे गैर मानवीय है, उनको लक्ष्य बनाया है कि जो एंटीबायोटिक अवेयरनेस है मतलब कि एंटीबायोटिक लोग ना लें, वो सभी क्षेत्रों में जाके लोगों को बताएंगे कि हाँ एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे नहीं लेनी चाहिए। तो वो एक साल के अंदर, और मतलब कम से कम टाइम है कि एक साल और ज़्यादा से ज़्यादा है कि 3 साल के अंदर जो है इसको सब लोगों को अवेयर किया जाए कि जो एंटीबायोटिक है वो लेना नहीं है बिना डॉक्टर की सलाह के। और मेरा एक सुझाव है कि इसी तरह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और जो स्वीटशिप राजनीतियां बनानी चाहिए, जैसे स्वीटशिप राजनीति होती है उसमें है कि हाँ ये वाली जो ड्रग है इसको जो है वो जो स्टोर वाले भी देंगे तो वो डॉक्टर की स्लिप के बिना ही देंगे। जैसे कि काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नशीली दवाएं हैं, जैसे कि एल्प्रेक्स होगी या फिर कोई भी नींद की दवाई है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसी तरह से एंटीबायोटिक के ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि हाँ सिर्फ उन्हीं को मिले, कि हाँ अगर कोई डॉक्टर लिख के देता है तो तभी एंटीबायोटिक मिलनी चाहिए। उससे जो है हम एटलीस्ट जो लोग ऐसे ही एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं, सिप्रोक्सिन खरीद लेते हैं, ऑफ्लॉक्सिन खरीद लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक जब मिलेगी नहीं तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, और डॉक्टर की सलाह लेंगे तो डॉक्टर जो है, और प्लीज़ डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे हर किसी को, वैसे मोस्टली उन्हें पता होता है कि जो ये सीजनल जो है फीवर है या कोल्ड है या कफ है तो उसमें जो है एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो इसलिए हमें, आप सब लोगों को मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंटीबायोटिक जो है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन होगी, अमोक्सिसिलिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन होगी, पेंसिलिन हो गया, मेट्रोजल होगी, और क्लॉक्सिन होगी, क्लॉक्सिन क्लॉक्सक्लिन, और भी बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं और बाद में वो हमारे दूसरे अंगों को डैमेज करती है। हम अपने स्वास्थ्य को तो क्या मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने आप को और बीमारी को दावत दे रहे हैं। जैसे कि मैंने एक पहले बताया था कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर दर्द हो गया तो कोई पेन किलर ले लेते हैं, पेन किलर, अगर बॉडी दर्द होगी तब भी पेन किलर ले रहे हैं, अगर वो थक जाते हैं ज़्यादा तब भी पेन किलर ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण भी हमारी जो किडनी है वो डैमेज होती है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो एंटीबायोटिक है वो रेगुलर बेसिस पे ना लें, वो आपके शरीर को और नुकसान पहुंचा रही है। और जो विश्व भर में एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें आप साथ दें और सबको अवेयर करें कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, जबकि ये नहीं कि मैंने ये एंटीबायोटिक ली थी और मैं ठीक हो गया तो प्लीज़ तू भी ले ले, शायद तेरे पे भी काम कर जाए, शायद वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दो, ये मिठाई नहीं है कि हाँ खा लो, या ये स्वीट डिश नहीं है कि हाँ टेस्ट करके देख लो, इसका नुकसान जो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एंटीबायोटिक को आप अपने रेगुलर बेसिस में मत यूज़ करें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।